टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार को अपना कोरोना वायरस टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट गुरुवार देर रात आ गई। धोनी की कोरोना वायरस रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके बाद वो अब चेन्नई में अपनी टीम के साथ खिलाड़ियों के साथ कैंप में शामिल हो सकेंगे। कोरोना वायरस की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन भारत के बजाय यूएई में हो रहा है। यूएई सरकार ने आईपीएल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और अन्य सभी लोगों के लिए कुछ सख्त नियम और कानून बनाए हैं, जिसके तहत सभी को अपना कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है। कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आने वाले खिलाड़ी और बाकी लोग ही आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए यूएई के लिए रवाना होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में स्थित अपने फार्म हाउस पर ही कोविड-19 टेस्ट के लिए सैंपल दिया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। बुधवार को गुरु नानक अस्पताल और रिसर्च सेंटर की मेडिकल टीम रांची स्थित धोनी के फार्म हाउस पहुंची और उनका सैंपल लिया था। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ लॉकडाउन के बाद से रांची स्थित अपने फार्म हाउस में ही रह रहे हैं। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वो शुक्रवार को चेन्नई के लिए रवाना होंगे, जहां वो अपनी टीम के साथ सीएसके के कैंप में शामिल होंगे। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले यूएई पहुंचेगी। बताते चले कि क्रिकेट के मैदान से दूर महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट खेले 13 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। धोनी ने अपना आखिरी मैच विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। सेमीफाइनल में मिली हार के बाद माही अभी तक क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखे हैं। लंबे अंतराल के बाद वो 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल के 13वें सीजन में क्रिकेट में वापसी करेंगे। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले माही 19 सितंबर को ही क्रिकेट में वापसी कर लेंगे, क्योंकि आईपीएल सीजन 13 का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाना है। बीसीसीआई टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए कैंप लगाने वाली थी, लेकिन बाद में बीसीसीआई ने अपने इस प्लान को कैंसिल कर दिया था। बीसीसीआई ने कहा था कि आईपीएल में शामिल होने वाली टीमें अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार खुद ही ट्रेनिंग कैंप लगा सकती हैं, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने यूएई पहुंचकर ही टीम के खिलाड़ियों के लिए कैंप लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में सीएसके ने भी अपना ये प्लान बदल दिया। अब एमएस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप पहले भारत में ही लगेगा। चेन्नई सुपर किंग्स अपने होम ग्राउंड यानी चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में ही प्रैक्टिस करती हुई नजर आएगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने तमिलनाडु सरकार से अनुमति मिलने के बाद चेपॉक में ही कैंप लगाने का फैसला किया। आईपीएल की तैयारियों को देखते हुए चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 15 अगस्त से टीम का कैंप शुरू हो रहा है। धोनी की टीम यहां करीब एक हफ्ता अभ्यास करेगी और फिर अपने प्लान के मुताबिक 21 अगस्त के आसपास यूएई के लिए रवाना हो जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय के बाद चेन्नई पहुंचेंगे, लिहाजा अपने हीरो के जोरदार स्वागत के लिए पूरा चेन्नई तैयार है। खबरों की माने तो धोनी की वापसी पर पूरे चेन्नई में जश्न का माहौल है। अपने कप्तान के स्वागत में चेन्नई के लोगों ने शहर में त्योहार जैसा माहौल बना दिया है। धोनी के फैंस अपने सुपरस्टार के आगमन को लेकर उत्साह की तैयारी कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं। चेन्नई में थाला के नाम से बुलाए जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस बेताब हैं। धोनी 6 दिन तक चेन्नई में ही अभ्यास करेंगे, लेकिन इस दौरान किसी भी फैन को स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे में आशंका जताई जा रही कि धोनी के सैकड़ों फैंस चेन्नई एयरपोर्ट पर ही उनके स्वागत और उनकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर फैंस की बड़ी संख्या को देखते हुए सुरक्षा बलों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और जब फैंस एक साथ वहां बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ना तय है। इनफॉर्मल चैट्स, लंबा लंबा ज्ञान, इतना लंबा वीडियो आखिर कब तक? पॉइंट पे आओ ना यार, मुझे बेकार का ज्ञान नहीं सटीक खबर चाहिए। अगर आप भी इनकी तरह बोरिंग चैट्स और लंबे लंबे वीडियोस से परेशान हैं तो सब्सक्राइब करें एनएन स्पोर्ट्स।